हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और तीज के दूसरे दिन पारण का समय है, तो हस्बैंड ने शरबत पिला दिया है। तो अब मैं अपने खाना में जो हमारे बिहार में ट्रेडिशनल रेसिपी होती है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा विदेश से भी फ्रेंड है, तो थोड़ा सा लगता है कि अपने कल्चर को वो लोग भी देखें, क्योंकि बिहार के बारे में मानसिकता बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है कि कैसा जगह है। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, तो कुछ रोड से लेकर के सड़क से लेकर सबका व्यूज़ दिखाती हूँ, तो बहुत अच्छा कमेंट्स आता है कि आपका पटना तो बहुत सुंदर है। लेकिन बिहार की बात करूं, तो बिहार की जो रेसिपी होती है ना, खासकर बहुत ज्यादा फेमस है। लोग बिहार में उतना आना नहीं चाहते, लेकिन सर्च करते हैं कि ये बिहार की रेसिपी, खास करके जो सत्तू लिट्टी होता है, वो बहुत ज्यादा यहाँ का फेमस है। और भी बहुत ज्यादा चीज जो फेमस है, तो धीरे धीरे मैं लीनास किचन के तहत आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आज तीज में बनने वाले जो सबसे ज्यादा खास रेसिपी होती है, कल मैंने दिखाया था ना, वो केराव होता है चने के जैसा, तो उसको हम लोग पूजा में चढ़ाते भी है। और सारी रेसिपी आज उसी के साथ बनेगी। और ये लाल साग है, क्योंकि लाल साग जो है ना, हर शुभ चीज में हम लोग बनाते हैं। और लाल साग बनाऊंगी, कांदा की सब्जी बनाऊंगी, और इसका जो है आगे तक मेरे ब्लॉग में बने रहे। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर है केराव, देखिए ये थोड़ा सा पूजा में निकालने के बाद इसे मैं, चलिए बॉयल कर लेती हूँ अच्छी तरह से पानी से धो करके। इसको क्या करूँगी ना, कि इसको आधा जो है ना इसी तरह पतीले में बॉईल कर दूँगी, और आधा जो है ना मैं पीस लूँगी। और अगर आप चाहे तो पूरे बॉईल करके आधा पीस ले और आधा बिल्कुल इस तरह से रहने दें। यहाँ पर मैं झिंगनी काटूँगी, यहाँ पे एक कंदा हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ पर लाल साग है, क्योंकि लाल साग हर शुभ काम में बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट से तैयारी करके उसके बाद मिलती हूँ। और इसको मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ, देखिए इसको बॉयल करने के लिए मैं चढ़ा देती हूँ। और इसका भी देखिए एक निकल गया है। तो सबसे पहले लाल साग बना रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल, मैं सरसों का तेल, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पंचफोरन और सूखी थोड़ी सी लाल मिर्च, तो ये चलिए, और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी पारण का समय है, तो थोड़ा सा अगर लहसुन का तड़का लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ये, जब थोड़ा सा चटकने लगे, तो मैं डालूँगी पंचफोरन, और पंचफोरन को थोड़ा सा अच्छी तरह से तड़कने देना है। उसके बाद कुछ नहीं, लाल साग और नमक डाल करके इसको ढक देना है। और यहाँ पर जो केराव है ना, वो देखिए बॉयल हो रहा है। इसकी बहुत मज़ेदार रेसिपी मैं दिखाने वाली हूँ, तो देखिए उसके बाद थोड़ा सा नमक डालने के बाद बस मैं ढक दूंगी इसको। तो चलिए जब तक लाल साग हो रहा है, तो उधर और सब्जी जो है उसको मैं काट लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे चलिए ये झिंगनी है, ये जो हम लोग घिवरा या नेनुआ जो भी बोलते हैं, तो लेकिन इसका ये देखिए, ये जो खास है जितिया में भी लोग बनाते हैं, तो इसको मैं छील लेती हूँ। और इसको भी मैं छील लूँगी, और यहाँ पर, और देखिए प्याज, क्योंकि प्याज जो है ना वो सब्ज़ी में डालूँगी, सुबह के नाश्ते में जो साग है उसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, ये सब खाना के लिए है। देखिए इसको सब काट लेती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे लौकी है, बैंगन है, जिसका मैं चक्का बचका बनाऊंगी। और एक ख़ास चीज़ की जो हम लोग आज के दिन जो है ना वो बनाते हैं, तो मैं दिखाती हूँ। और इसको देखिए, हम लोग बोलते हैं पोहे का साग, तो जब भी लेकर के आती हूँ मार्केट से, तो उसकी डंठल में लगा देती हूँ। तो चलिए मैं इसको तोड़ लेती हूँ, और इसके भी बहुत सुंदर पकौड़े बनते हैं जो ख़ास होते हैं आज के दिन। तो चलिए मैंने तोड़ लिया है, और इसके जो है ना, सिर्फ ये पत्तल जो पत्ते हैं ना, तो उसी के पकोड़े बनेंगे। और ये डंटी जो है ना, इसके भी सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। तो चलिए मैं पकोड़े के लिए सब पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये जो कांदा होता है उसको मैंने काट लिया है, और ये झिंगनी है। तो झिंगनी बनाने के लिए देखिए, इसमें सिर्फ क्या करेंगे हम, कि सूखी मिर्च आप चाहे तो, देखिए यहाँ पे मैंने निकाल कर रखा है, चाहे तो आप हरी मिर्च और जीरा डाल सकें, नहीं तो सूखी मिर्च डालें। तो मैं डालूँगी इसमें सूखी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पर कुकर में मैंने कांदे के लिए मैं पंचफोरन डालूँगी, थोड़ा सा लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट। तो उसको भी बनाने के लिए, जब तक ये कुकर गर्म हो रहा है,
तो देखिए ये जीरा तड़कने लगा है, तो इसको फिर जीरे को डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक, इसे बहुत हल्का नमक पड़ता है, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डाले, थोड़ी सी हल्दी बस। और चलाने के बाद इसको धीमी आँच पर बस अब इसको क्या करेंगे, ढक देंगे और कांदा बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे हम देखिए सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया है तो फिर इसमें हम डालेंगे देखिए ये पंचफोरन है और ये कुछ लाल मिर्च है। इसके बाद ये अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट है। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, उसके बाद ये है ना इसको पाँच मिनट भूनना है और फिर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और तब तक इधर देखिए थोड़ा सा ये पानी जो है ना और सूखेंगे इसमें बस इसको थोड़ा सा आँच तेज कर देना है। उसके बाद इसके पानी को सुखा करके और भूज के निकाल लेंगे। देखिए पाँच मिनट हो गए हैं तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। और पाँच छः सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड होता है। और ये करीब करीब सब्जी भी तैयार है, देखिए सब्जी भी और यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग केराव बोलते हैं और इसको थोड़ा सा मैंने पतीले में ही इसको बॉयल किया है। तो देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं इसको गलाना है, देखिए इतना थोड़ा सा हाफ कुक करना है। तो इसको क्या करूँगी, आधा मैं इस तरह से रखूँगी साबुत और आधा को मैं थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये बहुत टेस्टी लगता है, इसको हम लोग बिहार में केराव भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम आधा देखिए आधा रखने दी हूँ और आधा में इसको तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए अब ये बनाने की तैयारी करती हूँ। इसमें जो है ये देखिए जीरा और सूखी लाल मिर्च, इसमें इसके बाद देखिए जितने वो स्पाइसेस थे खड़े गरम मसाले, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश किया है वो डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी दो चार डाला है देखिए। उसके बाद तेज पत्ता, ये रेसिपी जो है ना बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ है, ये रोटी के साथ। उसके बाद मैं डालूंगी तीन चार से बड़े प्याज, और प्याज जब थोड़ा सा गुलाबी हो जाए तो इसमें मैं देखिए ये अभी नया आलू भी मार्केट में आ गया है तो मैं डाल दूँगी।
ये छोटा है तो साबुत है, इसको मैंने थोड़ा सा बोल कर लिया है, जो बड़े हैं उसको मैंने छोटा कर दिया है। देखिए थोड़ा सा भी गुलाबी हो जाए उसके बाद फिर मैं मसाले डालूंगी। अब थोड़ा सा जो आलू है ना, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ, आलू है ये थोड़ा सा लाल हो गया है, आप देखिएगा थोड़ा सा गुलाबी कर ले आलू को, तभी हम मसाले डालें। और यहाँ पर अदरक लहसुन काली मिर्च का पेस्ट है, यहाँ पे सूखी लाल मिर्च है, और इसमें मैं कोई ना कश्मीरी मिर्च डालूँगी, आप जो है ना तीखा स्वाद के अनुसार, हल्दी है, और यहाँ पर मसाले मैं डाल देती हूँ। मसाले को थोड़ा सा धीमी आँच पे भूनना है, और हमारे यहाँ जो बिहारी जो ट्रेडिशनल जो विलेज फूड भी होता है ना, तो आप देखिएगा मसाले को जो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं धीमी धीमी आँच पर, क्योंकि जब आपके मसाले अच्छे से फ्राई होंगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और मैं अक्सर कढ़ाई में ही रेसिपी दिखाती हूँ, कुकर की मैं रेसिपी कभी नहीं दिखाती हूँ। मेरे लीनास किचन में आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सूरन की भी सब्ज़ी बनाई थी तो बिल्कुल कढ़ाई में किस तरह से गलते हैं, मटन मैंने बनाया था बिल्कुल कढ़ाई में, वो भी हाफ आवर में, तो बहुत जल्दी गल गए थे। तो आप लोग थोड़ा सा टी कर ट्रिक्स के साथ मेरी जो वीडियो को देखें तो पता चलेगा कि कढ़ाई में इतनी जल्दी सब्ज़ी क्यों गलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा लाल करके भूनूंगी 5 मिनट तक। स्वाद के अनुसार नमक, नमक आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा डाला है। और अब इसके बाद क्या करूँगी, देखिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है उसको भी मैं डाल दूँगी। देखिए अब 5 से 10 मिनट अब इसके किनारे से बिल्कुल तेज होने लगा है, उसके बाद मैं डालूँगी, देखिए ये मैंने पीसा था, देखिए ये चने का, चलिए इसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा देखिए ये जो है ये मैंने कच्चे चने रखा था, बस अंदाज से, ज़्यादा नहीं, बस इतना डाल देना। बस इसको भी थोड़ा सा, इसको मैं बड़े बर्तन में डालूंगी ग्रेवी के साथ, तो पहले मैं कढ़ाई में भून लेती हूँ। मसाले तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, अब अंदाज से इसको जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं तो फिर मैं ग्रेवी लगाऊंगी। और चाहे तो कुकर में भी आप हाफ से दम पे लगा सकते हैं, तो इसको मैं क्या करूंगी, मैं कुकर में भी डाल दूंगी, बस हाफ सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी। और जब तक ये भून रहा है तब तक चलिए, कुकर मेरा बड़ा कुकर एक ही है, उसको खाली कर लेते हैं। इसको चेक करती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से देखिए पक गया है, देखिए मैं तोड़ करके दिखाती हूँ, देखिए देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरह से गल गया है। तो चलिए इसको मैं एक छोटे से बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये सब जो खाना है ना फ्रेंड्स, बस साल में एक ही बार बनते हैं,
तो देखिए ये सब्जी तैयार हो गया है। और चलिए ये जो मैं भून रही हूँ देखिए, तो उसको क्या करूँगी कुकर में डाल दूँगी हाफ सीटी तक। देखिए ये जो है उसके बाद अब ग्रेवी कितना लगाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें अंदाज से पानी डाल देना है। देखिए उसके बाद में इसको क्या करूँगी बस बस दो सीटी बस लगाना है। और यहाँ पे देखिए बेसन है, बेसन में सबसे पहले मैं डालूँगी हींग बस हाफ टीस्पून स्पून। उसके बाद देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च है, हल्दी है और अजवाइन है। नमक अभी नहीं डालना है, नमक जब हम पकौड़ी तलने लगेंगे तब नमक डालेंगे। और थोड़ा सा इसका गाढ़ा घोल मैं तैयार करूँगी पानी डालकर। इसको बहुत फेंटना है तो आपके पकौड़े बहुत फूले फूले बनेंगे। देखिए चलिए अभी थोड़ा सा मैं जब तक पूड़ी के लिए आटा सान लेती हूँ और ये इसको ढक करके एक तरफ रख देते हैं। आइए अभी गोदला चेक करते हैं उसमें कितना सीटी लगाना है। यहाँ पर पूड़ी के लिए आटा सान लेती हूँ और यहाँ पे सीटी लग रहा है तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए बनके तैयार है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घी का तड़का, घी और जीरा का। देखिए ये जो है ना तड़का लगा रही हूँ, घी गर्म हो गया है। उसके बाद फिर इसे ढक दूँगी। और यहाँ पे ये पकौड़े तलने के लिए देखिए तेल गर्म हो गया है, तो आइए पकौड़े को तल लेते हैं। तो सबसे पहले पत्ते का पकौड़ा डालेंगे, मिर्च और पांच तरह के पकौड़े आप कुछ भी तल सकते हैं। इसे तो चलिए देखिए आलू गोभी के ये भी पकौड़े भी तल के तैयार हैं। और यहाँ पे चावल मैंने बना लिया है, दही ऑलरेडी पूजा का मैंने जमाया था। तो यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं। ये लाल साग है, कांदा की सब्जी है और ये देखिए हम लोग बचका ही बोलते हैं बिहार में। और यहाँ पे वो गोदला बोलते हैं, वो कुसी केराव का। तो ये जितिया में भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है और सब लोग खाना खा रहे हैं। दही ऑलरेडी पूजा का ही। तो कैसी लगी मेरी बिहारी ट्रेडिशनल रेसिपी, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारा मैंने आज खाना बनाया है, तो
वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसके लिए आप लोग स्किप ना करें, फुल वॉच करें, लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलती हूँ एक अच्छे से रेसिपी के साथ लीनास किचन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।